बच्चों हम कर रहे थे व्हाई डू वी फॉल इल। हमने एक्सप्लेनेशन कर ली थी, हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख रहे थे रिलेटेड। चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है तो आज हो ही जाएगा फाइनली। तो यहाँ देखो हमने क्वेश्चन आंसर्स चल रहे थे उस टाइम हमारे जब हमने लास्ट एंड किया था। थोड़ा सा एक आध और क्वेश्चंस देख लेते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। और ये है हमारा लेक्चर 137, चैप्टर है 13, व्हाई डू वी फॉल इल, स्टैंडर्ड 9 आपका साइंस में। डिजीज कॉस्ड बाय ओवर न्यूट्रिशन एंड अंडर न्यूट्रिशन। क्वेश्चन है कि एक डिजीज का नाम लो जो कि ओवर न्यूट्रिशन से होती है, और एक डिजीज का नाम लो जो कि अंडर न्यूट्रिशन से होती है। जो ओवर न्यूट्रिशन से होती है मतलब ज़्यादा ही न्यूट्रिएंट्स मिल जाए शरीर को, ज़्यादा ही मात्रा मिल जाए किसी भी न्यूट्रिएंट की, तो वो डिजीजेस के नाम है हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन को हाई ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर है, और दूसरा क्या है, दूसरा है डायबिटीज, ठीक है। डायबिटीज भी ऐसी डिजीज है जो कि जो है शुगर वगैरह की ज्यादा मात्रा से हो जाती है। अगर न्यूट्रिएंट ज्यादा है शरीर में तो भी तकलीफ, मतलब ओवर न्यूट्रिशन से भी डिजीजेस होती हैं शरीर में, ठीक है। अब अंडर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन की वजह से कौन सी डिजीज होती है शरीर में? अंडर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन जब कम हो, मतलब जब शरीर में न्यूट्रिशन की मात्रा कम आ रही है, तो आपने बहुत सारी बीमारियां बच्चों के लिए सुनी होंगी भाई, हड्डियों की हो जाती है, ग्रोथ में कमी हो जाती है। क्वाशियरकर और मैरस्मस, ये दोनों बच्चों को होने वाली बीमारियां हैं जो कि अंडर न्यूट्रिशन से होती हैं। ज्यादातर जो बीपीएल, मतलब जो बिलो पावर्टी लाइन, जो एकदम बहुत ही गरीब वर्ग के बच्चे होते हैं, उन्हें उनमें ये बीमारियां अधिकतर बहुत देखने मिलती हैं। मतलब उन लोगों को 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता, इवन 1 टाइम का खाना भी अच्छे से नसीब नहीं होता। उन ऐसे बच्चों में, उस वर्ग से आते हुए बच्चों में ज्यादातर ये क्वाशियरकर मैरस्मस बीमारियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी 2 डिफिशियंसी डिजीजेस, ठीक है। 2 डिफिशियंसी डिजीजेस के नाम लिखें, मतलब डिफिशियंसी का मतलब किसी भाई किसी न्यूट्रिएंट की कमी के कारण होने वाली डिजीज। ये आपने एकदम डिटेल में स्टैंडर्ड 6 से पढ़ रहे हो आप लोग। एक है नाइट ब्लाइंडनेस, आपने पढ़ा हुआ है विटामिन ए की कमी से, और स्कर्वी है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होती है। ये डिफिशियंसी डिजीजेस में रखा गया है। आप और भी बहुत सारे नाम लिख सकते हो, बहुत सारे नाम है, गॉइटर है, ठीक है, बहुत सारे नाम है जो कि आप लिख सकते हो जो डिफिशियंसी डिजीजेस कहलाते हैं। नेम एनी 1 हेरिडिटरी डिजीज। हेरिडिटरी का मतलब जो आपको पूर्वजों से मिली है, आपकी आगे वाली जनरेशन, पूर्वज नहीं मतलब पूर्वज भी बोल सकते हो, आपकी आगे आपके पेरेंट्स के क्रोमोजोम्स की वजह से आपको जो डिजीज आई है, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटरी डिजीज। हेरिडिटरी डिजीज क्या है? नेम एनी 1 हेरिडिटरी डिजीज। कोई भी एक थैलीसीमिया है, मैंने आपको बताया था थैलीसीमिया बीमारी होती है जो कि पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स से ही आती है, और दूसरी है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस हेरिडिटरी भी है, वो डिफिशियंसी भी है, ठीक है। दोनों तरह में आप लिख सकते हो। थैलेसीमिया का आप क्लियर लिख सकते हो कि वो हेरिडिटरी डिजीज है, ठीक है। नेक्स्ट है, गिव सम पर्सनल एंड कम्युनिटी मेजर्स टू प्रिवेंट डिजीज। आप पर्सनली क्या कर सकते हो और कम्युनिटी लेवल पे क्या कर सकते हो खुद को बीमारी से बचाने के लिए, ठीक है। पर्सनल लेवल पे क्या कर सकते हो और कम्युनिटी लेवल पे आप क्या कर सकते हो बीमारी से बचने के लिए। पर्सनल लेवल पे आप क्या कर सकते हो? पर्सनल मेजर्स में आप टेक बैलेंस्ड डाइट, जो बैलेंस्ड खाना, बैलेंस्ड मतलब कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो, विटामिन्स मिनरल्स, मतलब एक बैलेंस्ड डाइट खाओ। दूसरा, एक्सरसाइज रेगुलरली, ठीक है, रेगुलरली एक्सरसाइज भी करनी है। एक्सरसाइज करने से आपका जो जो कहते हैं रक्त संचार, वो मेंटेन रहता है, आपका जो फैट वगैरह है वो बॉडी में नहीं बनता है। बहुत फायदे हैं एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज रेगुलरली, रूटीन हेल्थ चेकअप, अपना हेल्थ का चेकअप कराते रहें, क्योंकि बीमारी का पता लगता रहे अगर शरीर स्वस्थ है तो भी अच्छा ही, मतलब चेकअप करा रहे हो शरीर स्वस्थ आ रहा है तो अच्छा ही है, और चेकअप करा रहे तो खबर पड़ती है कोई बीमारी है तो शुरू में ही आप पकड़ के उसका इलाज करा सकते हो। ये 3 चीजें आप पर्सनली कर सकते हो बीमारी से बचने के लिए। कम्युनिटी लेवल, कम्युनिटी मतलब जो ग्रुप, मतलब एक एरिया, एरिया के लेवल पे आप क्या कर सकते हो?
सो क्लीनलीनेस शुड बी मेंटेन्ड, मतलब एज अ ग्रुप या एज अ पीपल आप क्या कर सकते हो. सो क्लीनलीनेस शुड बी मेंटेन्ड, साफ सफाई रखनी पड़ेगी हमें हमारे सराउंडिंग्स में. क्लीन वाटर कैन बी सप्लाइड, घर घर में क्लीन क्लीन वाटर मिले तो कम्युनिटी लेवल पे मतलब डिजीज ना फैले. सेक्स एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड. आप देखते हो कि सेक्स एजुकेशन की कमी के कारण भी बहुत खतरनाक एसटीडीज लग जाती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज लग जाती है कईयों को. सो अगर सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए अच्छे से तो कम्युनिटी लेवल पे कोई डिजीज ना फैले. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइट डिफरेंट वेज बाय विच इन्फेक्शियस डिजीजेस कैन बी स्प्रेड. कह रहा है अलग अलग तरीके बताओ कि जिससे इन्फेक्शियस डिजीजेस फैलती हैं, जो फैलने इन्फेक्शन वाली बीमारियां फैलती हैं वो तरीके बताओ. थ्रू फूड, ठीक है, खाने से. थ्रू वाटर, पानी पीने से. वेक्टर, वेक्टर्स मैंने आपको कहा था भाई मच्छर भी होते हैं, ठीक है. डायरेक्ट कांटेक्ट, किसी के डायरेक्ट कांटेक्ट आने से. सेक्सुअल कांटेक्ट से में भी, मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट में आए हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में आए हैं, तो इन सब के कारण इन्फेक्शियस डिजीजेस फैलती हैं, ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द वेज जिससे इन्फेक्शियस डिजीजेस फैलती हैं, ठीक है. सो थ्रू फूड, वाटर, वेक्टर, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट एक्सेट्रा, ठीक है. अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. अब मोस्टली हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर लिए, अभी हम हमारी जो एनसीईआरटी है उसके इनटेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे और फिर उसके हम बैक एक्सरसाइज भी करेंगे, तो फाइनली ये हमारा चैप्टर पूरा, ठीक है. सो इनटेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं इसके, हम इस चैप्टर के. सो ये है हमारी एनसीईआरटी. सो इसमें हम सबसे पहले इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में ये हैं, पेज 178 है आपका एनसीईआरटी पे, 178, और ये तीन आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है. दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड वन, ठीक है. सो हम इन क्वेश्चंस को अभी सॉल्व करते हैं और आपको ये क्वेश्चन भी लिखना है और आंसर भी लिखना है, ठीक है. सो बच्चों अभी हम देखते हैं हमारे एनसीईआरटी के कुछ इनटेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है. एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं. सो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एनी टू कंडीशंस एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ. दो कंडीशंस बताओ जिनसे कि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, गुड हेल्थ रहेगी. सो टू कंडीशंस एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ आर, फर्स्ट, स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. मतलब स्टेट मतलब जब आप फिजिकली मेंटली और सोशली हेल्दी होते हो तो अब आप गुड हेल्थ में हो. मतलब फिजिकली मतलब आपको कोई बीमारी नहीं है, मेंटली मतलब आपको कोई चिंता, कुछ डिप्रेशन नहीं है, सोशली मतलब आप सोशली भाई समाज में भी आपका एक अच्छा नाम है, तो आप बोल आपके पास एक गुड हेल्थ है, ठीक है, फिजिकली मेंटली एंड सोशली. सेकेंड है बेटर सराउंडिंग्स और एनवायरमेंट. जब आपके आसपास सब साफ सुथरा है, एनवायरमेंट अच्छा है, तब आप बोला जा सकता है कि आपके पास गुड हेल्थ है, ठीक है. फिर नेक्स्ट है स्टेट एनी टू कंडीशंस एसेंशियल फॉर बीइंग फ्री ऑफ डिजीज, ठीक है. कब बोला जा सकता है कि भाई आपको कोई डिजीज नहीं है, आप डिजीज फ्री हो, कब बोला जा सकता है. सो कौन सी दो कंडीशंस हैं जो आपको डिजीज फ्री रखेंगी, कौन सी दो कंडीशंस हैं जो आपको डिजीज फ्री रखेगी. फर्स्ट, पर्सनल एंड डोमेस्टिक हाइजीन. पर्सनल और डोमेस्टिक हाइजीन मतलब जब आप पर्सनली अपना मतलब खुद की साफ सुथरा, आप खुद के हाइजीन का ध्यान रखो, और डोमेस्टिक मतलब आपके आसपास मतलब आपके घर का ध्यान रखो, तब आप डिजीज फ्री रह सकते हो खुद और आपके घर बार. सेकेंड है क्लीन एनवायरमेंट एंड सराउंडिंग्स, ठीक है. जब आपका जो एनवायरमेंट है, जो वातावरण है वो साफ हो, सराउंडिंग्स जो आपके आसपास का एटमॉस्फेयर है वो साफ हो, तो बोला जा सकता है कि आप क्या हैं, आप मतलब डिजीज फ्री हैं, ठीक है. क्लीन एनवायरमेंट है, क्लीन सराउंडिंग्स हैं, तो आप क्या हैं, डिजीज फ्री हैं, ठीक है. अच्छा, आप थर्ड नंबर देखें. आर द आंसर्स टू द अबव क्वेश्चन नेसेसरीली द सेम और डिफरेंट, वाई, ठीक है. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो आंसर्स हैं ऊपर के, जो क्वेश्चंस के, जो ऊपर पहला क्वेश्चन क्या था, दो कंडीशंस कि आप हेल्दी हो, गुड हेल्थ है आपके पास, तो उसके आर द आंसर्स टू द अबव क्वेश्चन द सेम और डिफरेंट,
वाई द आंसर्स टू द अबव क्वेश्चंस आर डिफरेंट बिकॉज अ पर्सन मे बी फ्री ऑफ डिजीज बट इज मेंटल सोशल और इकोनॉमिक हेल्थ मे नॉट बी गुड. ठीक है, मतलब अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि भाई गुड हेल्थ तब होगी जब आप फिजिकली मेंटली सोशली अच्छे हो और जब आप आपके आसपास सब साफ सुथरा है, तो जरूरी नहीं है इस क्वेश्चन जरूरी नहीं है ये सब आपको मिले. ठीक है, सो आंसर टू द अबव क्वेश्चंस आर डिफरेंट. आंसर टू द अबव क्वेश्चंस आर डिफरेंट बिकॉज अ पर्सन मे बी फ्री ऑफ अ पर्सन मे बी फ्री ऑफ डिजीज बट हिज मेंटल सोशल एंड इकोनॉमिक हेल्थ मे नॉट बी गुड. कोई आदमी फ्री ऑफ डिजीज हो सकता है, सपोज कि भाई कोई आदमी को कोई बीमारी नहीं है, पर शायद उसको मेंटली बहुत ज़्यादा तकलीफ हो, सोशली मतलब समाज में उसका कुछ नाम ना हो, इकोनॉमिकल हेल्थ अच्छी ना हो, मतलब पैसे ना हो, पर वो आदमी को कोई बीमारी नहीं है, ना डायबिटीज़ है, ना बीपी है, ना टाइफॉइड मलेरिया कुछ भी नहीं है, आदमी स्वस्थ है, पर ना उसकी मेंटल स्थिति अच्छी नहीं है, उसको टेंशन है, उसको बीवी बच्चों की अपने हर चीज़ का डिप्रेशन है, सोशली उसको कुछ समाज में नहीं है, इकोनॉमिक नहीं है, तो आप वो मतलब आप नहीं डिफाइन कर सकते हो. गुड हेल्थ हर पर्सपेक्टिव्स अलग अलग होते हैं, पर एज अ ऑल आप गुड हेल्थ को कैसे डिफाइन करते हो कि फिजिकल मेंटल और सोशल वेलबींग हो, सारे सराउंडिंग्स अच्छे, सब कुछ अच्छा अच्छा हो तो आप अच्छी हेल्थ में हो, पर ज़रूरी नहीं है कि भाई सबके लिए वो सेम हो या मतलब डिफरेंट होता है. ठीक है, हर किसी के लिए डिफरेंट होता है, गुड हेल्थ हर किसी के लिए डिफरेंट होता है. सो आर डिफरेंट बिकॉज पर्सन मे बी फ्री ऑफ डिजीज बट इज मेंटल सोशल और इकोनॉमिक हेल्थ मे नॉट बी गुड. बच्चों अभी नेक्स्ट हमारे ब्लूप्रिंट दो और क्वेश्चंस हैं जो कि है आपकी एनसीईआरटी के पेज 180 पे. ठीक है, आपकी एनसीईआरटी के पेज 180 पे हैं और आपके ये दो ब्लूप्रिंट क्वेश्चन है इसमें ये वाले. ठीक है, सो अब हम इन दो ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि है पेज 180 आपके एनसीईआरटी पे. सो ये दो क्वेश्चंस हैं आपके इस पेज पे. सो ये क्वेश्चंस हैं कुछ ऐसे. जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस पेज पे यहाँ 4 लिखा हुआ है, वो एक्चुअली फर्स्ट क्वेश्चन है. ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट एनी थ्री रीजंस Why you would think that you are sick and ought to see a doctor? तीन कारण बताओ जब तुम्हें लगता है कि तुम बीमार हो और तुम्हें डॉक्टर से मिलना पड़ेगा. अगर इन तीनों में से कोई भी एक सिम्टम है, मतलब ये एक भी कोई सिम्टम है तुम में, तो क्या तुम डॉक्टर के पास जाओगे? क्यों जाओगे डॉक्टर के पास? और नहीं जाओगे तो क्यों नहीं जाओगे? तो पहले तो तीन कारण बताओ कि तुम्हें लगता है मैं बीमार हूँ. कौन सी तीन चीज़ें तुम्हारे शरीर में होती है कि तुम्हें लगता है मैं बीमार हूँ? द थ्री रीजन्स वाई वन वुड थिंक दैट ही इज सिक आर. तीन कारण जब किसी को लगता है कि वो बीमार है, वो सिक है, कौन कौन से तीन कारण है? पहला है हेडेक. ठीक है, उसको सर दर्द होता है, इसका मतलब वो बीमार है. कोल्ड एंड कफ, सर्दी खांसी होती है तभी भी हमें लगता है हम बीमार हैं. लूज मोशंस, ठीक है, लूज मोशंस होते हैं तभी भी हमें लगता है हम बीमार हैं. ठीक है, सो तीन कारण जब आपको लगता है कि आप सिक हो और आपको डॉक्टर के पास, तो ये तीन कारण है. ठीक है, बहुत सर दर्द होता है, सर्दी खांसी होती है, लूज मोशंस हो जाते हैं, तो हमें लगता है डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा. अब ये तीन कारण होंगे तो क्या आप डॉक्टर के पास जाओगे? हाँ हम जाएंगे. ठीक है, ये तीन कारण हुए तो अब आपको इतना पता है कि कुछ प्रॉब्लम है शरीर में, बहुत तेज सर दुख रहा है, बहुत सर्दी खांसी हो रही है, लूज मोशंस हो गए, अब पता है तकलीफ है, पर तकलीफ आपको पता नहीं है क्या है, डिजीज आपको पता नहीं है क्या है, तो वो पता करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? डॉक्टर के पास. ठीक है, सो दिस इंडिकेट्स दैट देयर मे बी अ डिजीज बट डज नॉट इंडिकेट व्हाट द डिजीज इज. तीन कारण पता है, पर पता है कि डिजीज है, तकलीफ है शरीर में, पर तकलीफ क्या है वो पता नहीं है, और इसलिए आप क्यों जाओगे? सो वन शुड स्टिल विजिट द डॉक्टर फॉर द ट्रीटमेंट एंड टू नो द कॉज ऑफ अबव सिस्टम. तो इसलिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए और वो कारण जानने के लिए कि हुआ क्यों है ये आपके साथ. ठीक है, सो इसी पेज 180 पे है आपका सेकेंड नंबर. सो सेकेंड नंबर क्या है पेज 180 पे? सेकेंड नंबर
इवन इन केस ऑफ सिंगल सिम्टम वन नीड्स टू गो टू द डॉक्टर टू गेट प्रॉपर ट्रीटमेंट. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डू यू थिंक द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन योर हेल्थ आर लाइकली टू बी मोस्ट अनप्लेजेंट. देखो कभी आपको आपके शरीर में कोई सिंगल सिम्टम भी ऐसे कुछ ऐसी ऐसा भी कुछ एक सिम्टम आ जाए, कोई ऐसी निशानी आ जाए कि आपको लगे मैं बीमार हूँ, तो आपको डॉक्टर के पास तुरंत चले जाना चाहिए प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए. अब यहाँ पे इन्होंने तीन बीमारियों के तीन सिम्टम्स के नाम लिखे हैं, तो बताओ इनमें से कौन सा सिम्टम आपके शरीर को ज़्यादा लंबे समय तक हैरान करेगा. अनप्लेजेंट मतलब आपके शरीर की हालत अच्छी नहीं रहेगी लंबे समय तक. इनमें से तीनों में से कौन सा बीमारी है जो आपको लगेगा. फर्स्ट है इफ़ यू गेट जॉन्डिस, आपको पीलिया हो जाए, ठीक है, कमड़ा बोलते हो ना, सो पीलिया हो जाए तो आप क्या वो इसका असर लंबे समय तक रहेगा. सेकेंड इफ़ यू गेट लाइस, आपके सर पे जुएं चली जाएं, सो इसका इफेक्ट लंबे समय तक रहेगा आपकी हेल्थ पे. इफ़ यू गेट एक्ने, ठीक है, पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं आपके फेस पे, तो क्या इसका इफेक्ट लंबे समय तक रहेगा. सो आंसर देखें, इन द अबव केसेस लाइज एंड एक्ने आर एक्यूट प्रॉब्लम्स ऑफ अवर हेल्थ विच कैन बी क्योर्ड इन शॉर्ट ड्यूरेशन. देखो ये तीन प्रॉब्लम्स हैं, उसमें से जो दूसरी और तीसरी प्रॉब्लम्स हैं वो एक्यूट प्रॉब्लम है. एक्यूट मतलब वो एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो कि कुछ ही समय में ठीक हो जाएगी, ठीक है. एक्ने के लिए पिंपल क्रीम वगैरह आप प्रिस्क्राइब डॉक्टर करें या कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर दें तो शायद ठीक हो जाए. लाइज, ठीक है, जुओं के लिए भी बहुत शैम्पू आते हैं, ठीक है, आप साफ करवा, ठीक है, किसी से साफ भी करवा सकते हो अपना सर. सो ये दोनों प्रॉब्लम्स लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में ठीक हो जाती हैं, लंबी वाली प्रॉब्लम्स नहीं है. पर ये जो किसी को जॉन्डिस हो जाए, पीलिया हो जाए, तो वो तकलीफ वाली बात है. क्यों? इन द अबव केसेस लाइज एंड एक्ने आर एक्यूट प्रॉब्लम्स ऑफ अवर हेल्थ विच कैन बी क्योर्ड इन शॉर्ट ड्यूरेशन, बट जॉन्डिस जॉन्डिस इज द डिजीज दैट कैन हैव मोस्ट अनप्लेजेंट इफेक्ट ऑन अवर हेल्थ एज इट अफेक्ट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी दैट इज लिवर. पर अगर किसी को जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है, तो जॉन्डिस एक ऐसी बीमारी है जिससे हमें हमारे शरीर पे बहुत ही अनप्लेजेंट इफेक्ट पड़ेगा. मतलब एक ही कहते हैं ना, बुरा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जॉन्डिस से हमारे शरीर का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो लिवर है, वो सीधा लिवर पे अफेक्ट करता है. जॉन्डिस किसी को पीलिया होता है उसके लिवर पे अफेक्ट करता है. दिस डिजीज इज अ क्रॉनिक वन, और ये जॉन्डिस लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों में से है, ठीक है. सो इन तीनों में से किस बीमारी का लंबा असर रहेगा? जॉन्डिस का. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर वी नॉर्मली एडवाइज टू टेक ब्लांड एंड नरिशिंग फूड वेन वी आर सिक. अच्छा ये वाला क्वेश्चन है आपका ब्लूप्रिंट, ये आपका ये भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन ही है. ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 186 पे, ठीक है, पेज नंबर 186 पे लगातार ये पांच क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको. ये है आपका पेज 186, ये है आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर वी नॉर्मली एडवाइज टू टेक ब्लैंड एंड नरिशिंग फूड व्हेन वी आर सिक. ब्लैंड मतलब बिना तेल मसाले वाला, ठीक है. तो जब भी आप बीमार होते हो, ठीक है, जब भी आप बीमार होते हो, आपको क्यों कहा जाता है कि भाई ब्लैंड खाना खाओ और नरिशिंग खाना खाओ, ठीक है. तो कारण क्या है इसका? ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ आपका, Why are we normally advised to take bland and nourishing food when we are sick? ठीक है, हमें क्यों कहा जाता है कि bland खाना खाओ, nourishing खाना खाओ जब आप बीमार होते हो? सो कारण क्या है? We are advised to take bland and nourishing food when we are sick because our body needs energy to release cells to overcome the infection. ठीक है, मतलब हमें एडवाइस किया जाता है कि भाई बिना तेल मिर्ची का नरिशिंग खाना खाओ जब हम बीमार, बिकॉज आवर बॉडी नीड्स एनर्जी टू रिलीज सेल्स टू ओवरकम द इन्फेक्शन द वियर एंड टीयर ऑफ बॉडी ऑर्गन. ठीक है, हमारे शरीर को क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है ताकि वो सेल्स छोड़ सके इन्फेक्शन से ओवरकम, मतलब जो भी इन्फेक्शन हुआ है शरीर को उससे बचाने के लिए. वियर एंड टीयर ऑफ बॉडी मतलब अगर कोई सेल्स डेड हो गए, कोई खराब हो गए, उनको ठीक करने के लिए वियर एंड टीयर ऑफ बॉडी ऑर्गन. ठीक है, हमारे शरीर में जो भी तकलीफ आई है सो उस तकलीफ को ठीक करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए. ठीक है, सो अगर आप एक हेल्दी खाना खाते हो, ब्लैंड और नरिशिंग फूड खाते हो, तो आपके जो सेल्स हैं उनको एनर्जी मिलेगी इन्फेक्शन को ओवरकम करने के लिए और आपके ऑर्गन्स ठीक हो जाएंगे. ठीक है, सो इस तरह से आप मतलब
आपको एडवाइस किया जाता है ब्लैंड और नरिशिंग फूड खाओ, ठीक है। सो ब्लैंड जो नरिशिंग फूड है, द नरिशिंग फूड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू अवर बॉडी। नरिशिंग फूड है वो हमें न्यूट्रिएंट्स देता है, और जो ब्लैंड फूड है मतलब फीका फूड, सो नो स्पाइसेस इन द फूड मेक्स इट्स डाइजेशन प्रोसेस फास्टर, ठीक है। अगर हम बिना तेल मिर्ची वाला खाना खाते हैं तो डाइजेस्ट जल्दी होगा। उस टाइम क्या होता है, सर्दी मतलब हम जब बीमार होते हैं तो शरीर में इतनी ताकत नहीं होती, इतनी एनर्जी नहीं होती हमारे शरीर का हर प्रोसेस अच्छे से हो। तो जब हम कम मिर्ची मसाले वाला खाना खाते हैं तो शरीर के डाइजेशन प्रोसेस में ताकत कम लगती है, ठीक है। ताकत मतलब इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होती है। सो इसलिए भले आप बीमार होते हो तो भी मतलब डाइजेशन अगर फीका और बिना मसाले वाला खाते हो तो अच्छे से रहता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है सेकंड, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंट मींस बाय विच इन्फेक्शियस डिजीजेस आर स्प्रेड। मतलब अलग अलग तरीके बताओ जिनसे इन्फेक्शियस डिजीजेस फैलते हैं। सो इन्फेक्शियस डिजीज कैसे फैलते हैं, थ्रू एयर, थ्रू फूड एंड वाटर, थ्रू कॉन्टैक्ट, बाय फिजिकल सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, बाय बॉडी फ्लूइड्स, वैक्टर्स, ठीक है। सो किन किन तरीकों से है जो कि इन्फेक्शियस डिजीज फैलती हैं, ये मैंने आज जब चालू करा था तब भी ये क्वेश्चन आया था। एयर से फैलते हैं, ठीक है। सो एयर से कौन कौन सी बीमारियाँ फैलती हैं, थ्रू एयर, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा और ट्यूबरक्लोसिस। फूड एंड वाटर से कौन सी बीमारियाँ फैलती हैं, सो फूड एंड वाटर से कोलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस। कॉन्टैक्ट, ठीक है, किसी के कॉन्टैक्ट में आने से कौन कौन सी बीमारियां फैल सकती हैं, फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, स्किन डिजीज हो सकती है, स्कैबीज भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी बीमारियां हैं जो कॉन्टैक्ट से, अगर किसी के सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में किसी बीमार इंसान के आए हैं सेक्सुअली जिसको तकलीफ है, सो कौन सी बीमारियाँ हो सकती है, सिफिलिस और एड्स, ठीक है, ये हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। सो बॉडी फ्लूइड्स से कैसे बीमारियां फैल सकती हैं, तो कभी किसी बॉडी फ्लूइड मतलब ब्लड, ब्लड एक फ्लूइड है, ठीक है। किसी इन्फेक्टेड इंसान का अगर आप ब्लड ले लेते हैं सो आपको भी वो बीमारी लग सकती है। सीमेन, सीमेन मतलब जो होता है ये पुरुष मैन में होता है, ठीक है। सो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान अगर सीमेन फीमेल में आ जाता है तो वो बीमार हो सकती है। मदर्स मिल्क वैन इन्फेक्टेड, मतलब अगर बीमार माँ दूध पिलाती है अपने बच्चे को तो उससे उसको भी इन्फेक्शन लग सकता है। तो इसलिए बाय बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स से भी बीमारियाँ फैलती हैं। नेक्स्ट है वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या होते हैं, सो वेक्टर्स वो होते हैं जो अपने साथ पैथोजेंस कैरी करते हैं, मतलब अपने साथ वो कीटाणु कैरी करते हैं और सामने वाले को बीमार करते हैं। तो एग्जाम्पल्स क्या है, मॉस्किटोज, ठीक है। सो मॉस्किटोज हैं जो कैरी करते हैं पैथोजेंस को, जिस जो प्रोटोजोआ है उसको कैरी करते हैं और सामने वाले इंसान को बीमार करते हैं। सो बेसिकली वेक्टर्स क्या हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज स्प्रेड करते हैं पैथोजेंस अपने साथ लेके, मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस, तो उसे कहते हैं वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन हमारा। थर्ड क्वेश्चन बोलता है व्हाट प्रिकॉशंस कैन यू टेक इन योर स्कूल टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। आप आपके स्कूल में इन्फेक्शियस डिजीज को कम करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हो, तो सबसे पहले आप खुद क्या कर सकते हो, फर्स्ट बाय यूजिंग हैंडकरचीफ वाइल स्निफिंग, कफिंग और स्नीजिंग, ठीक है। छींकने या खांसते टाइम हैंडकरचीफ यूज करो। सेकेंड, वॉशिंग हैंड्स बिफोर ईटिंग टिफिन, ठीक है, अपने हाथ धो दो टिफिन खाने से पहले। फिर नेक्स्ट है और तीसरा काम आप क्या कर सकते हो, स्टेइंग एट होम इफ एनीवन सफर्स फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज। अगर किसी को कोई बीमारी हो गई है तो वो घर रुके स्कूल ना जाए, ठीक है, अगर इन्फेक्शियस डिजीज लग गई है तो घर रुकना चाहिए। तीसरा काम ये डी गेटिंग वैक्सीनेटेड, ठीक है, वैक्सीनेशंस लेनी चाहिए सारी की सारी, बच्चों को बचपन से ही दिलवानी चाहिए। और फिर क्या कर सकते हैं, कीपिंग द स्कूल सराउंडिंग क्लीन, ठीक है। सो जो आपका स्कूल सराउंडिंग है उसे क्लीन रखें, ठीक है, जो मैं नहीं बोल रही हूँ वो आप मत करना, मैं जितना बोल रही हूँ आप उतना ही लिखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये भी आपका ब्लू प्रिंट या इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 क्या है आपका, क्वेश्चन 4 है
वॉट इज इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन क्या है? सो वैन द बॉडी अटेन्स इम्यूनिटी अगेंस्ट एनी डिजीज ड्यू टू वैक्सीनेशन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या है? जब आपकी बॉडी इम्यूनिटी अटेन करती है, मतलब आपकी बॉडी खुद को प्रोटेक्ट करती है किसी डिजीज से वैक्सीनेशन के कारण, तो हम कहते हैं इम्यूनाइजेशन हुआ। इम्यूनाइज करना मतलब खुद को प्रोटेक्ट करना। तो जब बॉडी खुद को प्रोटेक्ट कर लेती है, बॉडी अपने शरीर पे एक सुरक्षा कवच बना लेती है किसी डिजीज के खिलाफ, किसके कारण? वैक्सीनेशन के कारण। अगर वैक्सीनेशन के कारण बॉडी इम्यूनिटी गेन कर लेती है, व्हेन द बॉडी अटेन्स इम्यूनिटी अगेंस्ट एनी डिजीज ड्यू टू वैक्सीनेशन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। ठीक है, वैक्सीनेशन के कारण आपका शरीर जब खुद को तैयार कर लेता है तो हम कहते हैं भाई इम्यूनाइजेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर, जो कि आपके इनटेक्स्ट का या ब्लूप्रिंट का लास्ट क्वेश्चन है। सो फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट आर द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स अवेलेबल एट द नियरेस्ट हेल्थ सेंटर इन योर लोकेलिटी। आपके लोकेलिटी में कौन कौन से इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं? विच ऑफ दीज डिजीजेज आर द मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स इन योर एरिया, और कौन कौन सी डिजीजेज आपके एरिया में मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, सो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स अवेलेबल एट द नियरेस्ट हेल्थ सेंटर्स। तो जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स हैं, जो इम्यूनाइजेशन है जो आपके हेल्थ सेंटर पे अवेलेबल, आपके नियरेस्ट हेल्थ सेंटर पे अवेलेबल होगा, वो कौन सा होगा? मतलब आप जहाँ रहते हो आपके आसपास, सपोज कोई अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल, तो वहाँ कौन कौन से प्रोग्राम्स होंगे? प्रोग्राम्स मतलब कौन कौन से इम्यूनाइजेशन की चीज़ें होंगी। सो चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to 12 years। ठीक है, चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम मतलब जीरो, जब बच्चा पैदा होता है उससे 12 साल तक जो चाइल्ड को वैक्सीन डलवानी पड़ती हैं, पहला ये। फिर दूसरा है पोलियो इराडिकेशन प्रोग्राम। ठीक है, पोलियो भी 5 साल तक, पोलियो की बूंदें भी, ये भी एक प्रोग्राम बहुत रेगुलर चलता है। आप देखोगे पोलियो के लिए भी जगह जगह बूथ्स लगते हैं, सेंटर लगते हैं। और तीसरा है H1N1। ठीक है, ये भी एक वायरस टाइप होता है, सो H1N1 स्क्रीनिंग प्रोग्राम भी होता है। ठीक है, सो कह रहा है किन किन बीमारियों के खिलाफ जो वैक्सीन्स ली जाती हैं। सो इन्फेंट, अगर इन्फेंट है, छोटा नवजात बच्चा है, जो नया नया बच्चा पैदा हुआ है, तो उसको कौन सी इम्यूनाइजेशन, कौन सी वैक्सीनेशन लगती है? पोलियो की लगती है और BCG। ठीक है, ये दो नए जन्मे बच्चे को इन दो की वैक्सीनेशन लगती है। फिर 6 weeks से 9 weeks, जब बच्चा 6 हफ्ते से 9 हफ्ते के बीच होता है, तो कौन सी रस्सी लगती है बच्चे को? DPT और टिटनस। ठीक है, DPT और टिटनस की इन्हें रस्सी या वैक्सीन दी जाती है जब बच्चा 6 से 9 हफ्ते का होता है। फिर जब बच्चा 9 से 12 महीने का होता है, 1 साल का होने वाला होता है, तो उसे बूस्टर डोजेस दिए जाते हैं। बूस्टर मतलब सेकेंड डोज, मतलब जैसे पोलियो का एक डोज दिया तो उसको दूसरा डोज, चिकन पॉक्स का डोज, चिकन पॉक्स का वैक्सीन दिया जाता है, हेपेटाइटिस ए का, हेपेटाइटिस बी का, और बहुत सारी बीमारियां हैं उनका भी बच्चे को धीरे धीरे वैक्सीन दिया जाता है। विच ऑफ द डिजीज आर द मेजर इन आपकी आपकी एरिया में कौन सी डिजीजेस सबसे ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करती है? सो ट्यूबरक्लोसिस, आंसर क्या है? ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। टीबी की बीमारी बहुत सारी एरियाज में एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम की तरह देखी जाती है। ठीक है, सो टीबी है। अच्छा, अब हमने इसके जो है इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी कर लिए सारे, अब हम इसकी बैक एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, सो बैक एक्सरसाइज कहाँ है इसकी? सो ये है इसकी बैक एक्सरसाइज। बैक एक्सरसाइज है आपकी पेज नंबर 187 पे, ये जो एक्सरसाइजेस हैं इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ, टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, हम वो भी देख लेते हैं। ठीक है, सो हम जो है NCERT के बैक एक्सरसाइज भी देख लेते हैं, हमारे इंटेक्स क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, सो बैक एक्सरसाइज में देखते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, सो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, हाउ मैनी टाइम्स डिड यू फॉल इल इन द लास्ट 1 year, वॉट वर द इलनेसेस। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि पिछले 1 साल में आप कितनी बारी बीमार पड़े और किस क्या थी आपकी बीमारी का कारण क्या था। ए, थिंक ऑफ 1 change यू कुड मेक इन योर हैबिट्स इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी ऑफ द मोस्ट ऑफ द अबव इलनेसेस। आप क्या कर सकते हो कि आप बीमार ना पड़ो। B,
बी थिंक ऑफ एनी वन चेंज यू वुड विश फॉर इन योर सराउंडिंग्स इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी ऑफ मोस्ट ऑफ द अबव इलनेस। ठीक है, बोल रहा है आप कोई ऐसा चेंज सोचो जो कि आप अपने आसपास करना चाहो ताकि आप बीमार ना पड़ो। ठीक है, ये सवाल कम्प्लीटली आपके लिए पूछ रहा है, पिछले एक साल में आप कितनी बार बीमार पड़े हो, और पूछ रहा है आप खुद क्या कर सकते हो, आप खुद क्या करोगे कि आप बीमार ना पड़ो, और दूसरा कि आपके आसपास ऐसा क्या होना चाहिए कि कोई बीमार ना पड़े। ठीक है, सो द इलनेस वॉज कॉमन कोल्ड विच अकर 2-3 times इन अ ईयर। मेरे को सबसे ज़्यादा कौन सी बीमारी हुई पूरे साल, कॉमन कोल्ड, बहुत सर्दी हुई और 2-3 बारी हुई। अच्छा, इससे बचने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। सो ए वन चेंज आई वुड मेक इन माई इन ऑर्डर टू अवॉइड इज दैट आई वुड टेक प्रॉपर डाइट रिच इन विटामिन सी एंड वुड अवॉइड टू कोल्ड फूड। अगर मेरे को जल्दी घड़ी घड़ी सर्दी लगती है तो मुझे क्या करना चाहिए। सो वन चेंज आई वुड टेक प्रॉपर रिच डाइट विटामिन सी। अगर मेरे को घड़ी घड़ी सर्दी लगती है, मतलब घड़ी घड़ी कॉमन कोल्ड हो जाता है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे विटामिन सी वाला खाना ज़्यादा खाना चाहिए, वो खाने से सर्दी नहीं लगती है। एंड वुड अवॉइड टू कोल्ड फूड, और ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि ठंडा खाना खाने से भी सर्दी लगती है। तो ये दो चीज़ें मैं कर सकती हूँ पर्सनली जिससे मैं सर्दी से बच पाऊँ। और ये मैंने आंसर क्यों लिखा, ये मैंने अपने लिए लिखा, भाई मुझे होती है। अगर आपको भाई जैसे फीवर आता है, फीवर लिख सकते हो, फिर आपको उसका लिखना भी पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हो उससे बचने के लिए। सेकेंड, अब आपके आसपास क्या कर सकते हैं लोग, तो सराउंडिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। आपके आसपास सब नीट और क्लीन हो तो भी आप बीमारी से बच पाओगे। ठीक है, सो ये दो आप, मतलब ये पर्सनली कंप्लीट आप पे क्वेश्चन था, ठीक है, कि आप क्या करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डॉक्टर नर्स हेल्थ वर्कर इज एक्सपोज टू मोर सिक पीपल देन अदर्स इन द कम्युनिटी, फाइंड आउट हाउ शी ही अवॉइड्स गेटिंग सिक हरसेल्फ हिमसेल्फ। देखो, जो डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेस होते हैं, हेल्थ वर्कर्स मतलब भाई वहीं पे हॉस्पिटल में जो छोटे मोटे कर्मचारी होते हैं सारे, सो ये सारे लोग जब सिक, ये लोग सबसे ज़्यादा बीमार लोगों के संपर्क में आते हैं, बाकियों से ज़्यादा यही लोग आते हैं, मतलब समाज, पूरे समाज में, कम्युनिटी में डॉक्टर्स, नर्सेस, हेल्थ वर्कर्स ही इनके जो बीमार लोग होते हैं उनके संपर्क में आते हैं। फाइंड आउट हाउ ही शी ही अवॉइड्स गेटिंग सिक हरसेल्फ हिमसेल्फ। कैसे जो नर्सेस हैं, डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, खुद को कैसे बीमार होने से बचा सकते हैं। अ डॉक्टर नर्स हेल्थ वर्कर व्हेन एक्सपोज दे कीप देयर नोज एंड माउथ कवर्ड, टेक केयर ऑफ हाइजीन, वॉश हैंड्स विद सोप बिफोर ड्रिंकिंग वाटर और ईटिंग फूड, दे यूज मास्क, ग्लव्स। इस तरह से ये सब कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। पहला काम, सो दे शुड कीप देयर नोज एंड माउथ कवर्ड, अपना नाक और अपना मुंह हमेशा कवर्ड रखें। दूसरा, टेक केयर ऑफ हाइजीन, साफ सुथरेपन का ध्यान रखें, कौन, ये सारे डॉक्टर, नर्सेज और हेल्थ वर्कर्स। तीसरा, दे वॉश हैंड्स विद सोप बिफोर ड्रिंकिंग और ईटिंग फूड, कुछ भी खाने या पीने से पहले हाथ जरूर धोएं। दे यूज मास्क, ग्लव्स एक्सेट्रा, उन लोगों को क्या पहनना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, ग्लव्स पहनना चाहिए। तो इस तरह से डॉक्टर्स, नर्सेस और हेल्थ वर्कर्स खुद को, भले वो बीमारों के संपर्क में आते हैं तो भी वो खुद को बचा सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन थ्री बोल रहा है, कंडक्ट अ सर्वे इन योर नेबरहुड टू फाइंड आउट what the three most common diseases are. Suggest 3 steps that should be taken by a local authority to bring down the incidence of this disease. अपने आसपास सर्वे करो और पता करो आपकी एरिया में सबसे ज़्यादा कौन सी बीमारियाँ होती हैं, और आप अपनी अथॉरिटीज़ को एडवाइस क्या करोगे कि भाई क्या करना चाहिए कि इन तीनों बीमारियों से बचा जा सके। तो आपकी एरिया में 3 पाई जाने वाली बीमारियाँ हैं, मलेरिया, डायरिया, टाइफॉइड। ठीक है, मलेरिया, डायरिया, टाइफॉइड, ये आपके एरिया में 3 पाई जाने वाली बीमारियां हैं। सो मलेरिया क्या है, मलेरिया अगर है किसी को तो आप क्या कर सकते हो डिजीज़ को फैलने से बचाने के लिए, आपकी अथॉरिटीज सराउंडिंग्स क्लीन रखें। ठीक है, साफ सुथरापन होगा तो ऑब्वियसली मच्छर नहीं होंगे। डायरिया, अगर किसी डायरिया है आपके एरिया में, लोगों को बहुत ज़्यादा डायरिया हो जाता है, लूज मोशंस मतलब, सो उन लोगों को क्यों हुआ होगा,
ड्रिंकिंग वाटर की वजह से। तो आपकी जो अथॉरिटीज़ हैं एरिया की, स्टेप्स टू ब्रिंक डाउन डिजीज स्प्रेड, मतलब ये बीमारी को कम करने के लिए ड्रिंकिंग वाटर क्लीन पीना चाहिए, ठीक है। थर्ड है टाइफॉइड, अगर आपके एरिया में टाइफॉइड बहुत फैली है तो आपको क्या करना है, मतलब अथॉरिटीज़ को क्या करना है, चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन, मतलब बचपन से ही टाइफॉइड की रस्सी दिलवा देनी है बच्चे बच्चे को उस एरिया के, ठीक है, क्योंकि ये रस्सी अगर वैक्सीनेशन नहीं होगी तो टाइफॉइड आगे होगा ही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी के पीछे बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन 4, अ बेबी इज नॉट एबल टू टेल हिज हर केयर टेकर्स दैट शी ही इज सिक, वॉट वुड हेल्प हर्स टू फाइंड आउट दैट द बेबी सिक, वॉट इज द सिकनेस। अब एक छोटा सा बच्चा होता है, ठीक है, 1-1.5 साल का बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, वो हमको नहीं बोल पा रहा, केयर टेकर्स मतलब मदर फादर या उसका जो भी ध्यान रख रहे हैं वो बता नहीं पा रहा है कि वो बीमार है, तो हम कैसे पता करेंगे कि वो बीमार है, ठीक है, छोटा बच्चा बीमार है वो कैसे पता किया जा सकता है। सो दो सवाल पूछे हैं कि बच्चा बीमार है कैसे पता कर सकते हो और बीमारी क्या है वो कैसे पता कर सकते हो, दोनों चीज़ें आप कैसे पता कर सकते हो कि बच्चा बीमार है और बीमारी क्या है वो कैसे पता कर सकते हो। तो कैसे पता कर सक, अगर कोई बेबी बीमार है तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि वो बीमार है। सो आंसर, पहली चीज़, द सिम्टम्स लाइक बॉडी टेम्परेचर, फीवर, कफ, कोल्ड, लूज मोशंस, नॉन स्टॉप क्राइंग, इम्प्रॉपर और नो फूड इंटेक एक्सेट्रा वुड हेल्प अस टू फाइंड आउट दैट द बेबी सिक। बच्चा बीमार है कैसे पता कर सकते हो, तो मतलब बॉडी टेम्परेचर होगा उसका, मतलब जो शरीर है या बहुत गर्म या बहुत ठंडा हो गया होगा, फीवर हो रहा होगा या शायद खांस रहा हो या सर्दी हो गई हो, लूज मोशंस हो गए हो बेबी को, नॉन स्टॉप रो रहा हो, इम्प्रॉपर और नो फूड इनटेक, खाना नहीं खा रहा है ढंग से, तो इन सब से आप पता कर सकते हो कि एक छोटा सा बच्चा जो कि बोल भी नहीं सकता है वो बीमार है, ठीक है, खाना ना खाए, सर्दी हो जाए, खांसी हो जाए, बहुत रो रहा है, चुप्पी नहीं हो रहा है, लूज मोशंस हो रहे हैं, ठीक है, so, इन सब से आप पता कर सकते हो कि छोटा बच्चा बीमार है। फिफ्थ नंबर, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज अ पर्सन मोस्ट लाइकली टू फॉल सिक। इन सारी कंडीशंस में से कब एक इंसान बहुत जल्दी बीमार पड़ेगा, ये MCQ है, ठीक है। सो ये तीन ऑप्शंस हैं कि इनमें से कौन सी कंडीशंस में से जो कोई पर्सन है वो जल्दी बीमार पड़ेगा। ए, व्हेन शी इज रिकवरिंग फ्रॉम मलेरिया, जब मलेरिया से कोई रिकवर कर रहा है। बी, व्हेन शी हैज रिकवर्ड फ्रॉम मलेरिया एंड इज टेकिंग केयर ऑफ समवन सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स, वो मलेरिया से ठीक हो गई है और चिकन पॉक्स वाले की देखभाल कर रही है। सी, व्हेन शी इज ऑन अ 4-day fast आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम मलेरिया एंड इज टेकिंग केयर ऑफ समवन सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स। अब यहाँ देखो, कह रहा है कि इनमें से कौन सी लड़की जल्दी बीमार पड़ेगी। पहली लड़की जो मलेरिया से ठीक होने, मतलब रिकवर हो रही है, मतलब दवाइयां ले लेके ठीक हो रही है, तो वो कैसे बीमार पड़ेगी, तो दवाइयां ले रही है तो वो नहीं। फिर बी, व्हेन शी हैज रिकवर फ्रॉम मलेरिया, वो मलेरिया की दवाई ले लेके तो ठीक हो गई पर अब एक किसी चिकन पॉक्स वाले इंसान की सेवा कर रही है, तो उसमें भी वो ठीक हो गई अब कर रही है तो उसको थोड़ी प्रॉब्लम, तो वो बीमार नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट, व्हेन शी इज ऑन अ 4-day fast, अब मलेरिया से वो जैसे ही ठीक हुई, वो लड़की मलेरिया से जैसे ही ठीक हुई उसने 4 दिन का उपवास रख लिया, मलेरिया से ठीक होने के बाद 4 दिन का उपवास रख लिया और अब वो ख्याल रख रही है एक ऐसे इंसान का जिसको चिकन पॉक्स है, तो वो उसको वो ये तीसरा केस बीमार होने का बहुत चांस है। क्यों? क्योंकि उसने 4 दिन का उपवास कर लिया है, 4-day fast। अब देखो, वो अभी अभी बीमारी से उठी है, तो बीमारी से अभी अभी ठीक हुई है, तो उसको हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, न्यूट्रिशन डाइट लेनी चाहिए ताकि उसको सब पोषण मिले और उसकी मतलब उस जो अभी अभी ठीक हुई है वो सही हो जाए, पर वो तो उपवास कर रही है 4-4 दिन का, तो वो कहाँ से ठीक होगी। तो थर्ड वाला है, ऐसी लड़की जल्दी बीमार पड़ेगी, ठीक है। सो सी वाला ऑप्शन, ऐसी लड़की जल्दी बीमार पड़ेगी। इसका कारण क्या है, वाई पूछ रहा है। वाई, एज द पर्सन इज, एज द गर्ल इज नॉट टेकिंग प्रॉपर डाइट, सो ठीक है, अगर वो खाना ही नहीं खा रही है, ठीक है, सो हर चांसेस ऑफ गेटिंग चिकन पॉक्स आर ऑल्सो एज हाई, मतलब उसको चिकन पॉक्स भी हो सकता है उल्टा, ठीक है, क्योंकि अभी अभी वो मलेरिया से ठीक हुई है, एक इन्फेक्शन से ठीक हुई है, खाना ढंग से नहीं खा रही है, प्रॉपर डाइट नहीं ले रही है, तो उल्टा उसको चिकन पॉक्स भी लग सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंडर विच ऑफ द सिक्स क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर यू मोस्ट लाइकली टू फॉल सिक, इनमें से इन तीनों में से किन कंडीशंस में आप सबसे जल्दी ज्यादा बीमार पड़ोगे? व्हेन यू आर टेकिंग एग्जामिनेशन, एग्जाम लिखने के टाइम बीमार पड़ोगे? नहीं भाई, ऐसे तो नहीं पढ़ते हैं। व्हेन यू हैव ट्रेवल्ड बाय बस एंड ट्रेन फॉर टू डेज, तुमने दो दिन लगातार बस में या ट्रेन में जर्नी की है तो तुम बीमार पड़ोगे? नहीं, वो भी कॉमन चीज है। तीसरा सी, व्हेन योर फ्रेंड इज सफरिंग फ्रॉम मीसल्स, ठीक है, जब आपका फ्रेंड मीसल्स से, सो मीसल्स एक इन्फेक्शियस डिजीज है, तो अगर आपका फ्रेंड मीसल्स से सफर कर रहा है और आप आपके फ्रेंड से खेल रहे हो, बात कर रहे हो, तो वो इन्फेक्शियस डिजीज वो आपको भी हो जाएगी, ठीक है। मीसल्स मतलब चत्ते चत्ते, सो अगर आप उसके उसके संपर्क में हो तो आपको भी हो जाएगी। तो सी वाला ऑप्शन, ये एमसीक्यू है, व्हेन योर फ्रेंड इज सफरिंग फ्रॉम मीसल्स। तो कारण क्या है, वाई, क्यों आप बीमार पड़ सकते हो? क्योंकि एक इन्फेक्शियस डिजीज है, मीसल्स एक फैलने वाली बीमारी है, तो अगर आपके ये कारण है कि आपको बीमारी लग सकती है। सो फाइनली हमने इस चैप्टर का जो है बैक एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लिया है, और अब हम कुछ MCQs देखेंगे, क्योंकि आजकल MCQs का ज़माना है, सो थोड़े से MCQs भी देख लेंगे और फाइनली फिर इस चैप्टर को हम पूरा करेंगे। हमने जितनी भी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस किए, बैक एक्सरसाइज की, आपको सब क्वेश्चंस और आंसर्स के साथ लिखना है, ठीक है। अब हम एडिशनल क्वेश्चंस देखते हैं जो कि है MCQs, ठीक है। सो MCQs देखेंगे हम लोग। ठीक है, सो क्वेश्चन वन क्वेश्चन MCQs, ठीक है, ये एडिशनल क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, द डिजीज दैट अफेक्ट अवर लंग्स इज, ठीक है, हमारे लंग्स को कौन सी डिजीज अफेक्ट करती है इन चारों में से? ए एड्स, बी रेबीज, सी पोलियो या डी ट्यूबरक्यूलोसिस। इनमें से, इन चारों में से कौन सी डिजीज आपके लंग्स को अफेक्ट करती है? सो इन चारों में से आपको जो डिजीज, ट्यूबरक्लोसिस जो डिजीज है वो आपके लंग्स को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द BCG वैक्सीन इज गिवन फॉर द इम्यूनिटी अगेंस्ट, जो BCG वैक्सीन है वो क्यों दी जाती है बच्चों को, किस चीज से, किस बीमारी से बचने के लिए दी जाती है? सो हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, ट्यूबरक्लोसिस या मलेरिया। सो आपको लंग्स, ट्यूबरक्लोसिस लंग्स को अफेक्ट करता है, और BCG वैक्सीन भी ट्यूबरक्लोसिस में ही दी जाती है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन की तरह भी हो सकता है, भाई लंग्स, ट्यूबरक्लोसिस कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है? तो लंग्स, ट्यूबरक्लोसिस के लिए कौन सी वैक्सीन ली जाती है? तो BCG वैक्सीन, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन की तरह हो सकता है साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मलेरिया इज कॉज्ड ड्यू टू, मलेरिया किससे होता है? ए प्रोटोजोआ, बी एनोफिलिस मॉस्किटो, सी बोथ ए एंड बी दोनों से, और डी किसी से भी नहीं। सो किससे होता है मलेरिया? मलेरिया किससे हो सकता है? इन दोनों से हो सकता है, ठीक है, प्रोटोजोआ से भी हो सकता है और एनोफिलिस मॉस्किटो से भी हो सकता है। सो बोथ ए एंड बी, ये दोनों कारण है मलेरिया होने के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइपोनोसोमा, लेशमेनिया, प्लाज्मोडियम, ये तीनों किसके एग्जाम्पल्स हैं? ट्राइपोनोसोमा, लेशमेनिया, प्लाज्मोडियम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, ये किसके एग्जाम्पल हैं? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या वॉर्म। ये मैंने आगे भी आपको बताया था, लेशमेनिया और प्लाज्मोडियम किसका है? प्रोटोजोआ, मतलब ये तीनों किसके एग्जाम्पल हुए? प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल हुए। फिफ्थ वाला, डायरिया, कोलेरा, टाइफॉइड आर द डिजीजेस दैट हैव वन थिंग इन कॉमन, दैट इज, ये सारी जो बीमारियां होती हैं, डायरिया, कोलेरा और टाइफॉइड, इन तीनों में कौन सी चीजें कॉमन है? सो ए, ऑल ऑफ देम आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ये तीनों बैक्टीरिया से होती हैं। बी, ऑल ऑफ देम आर ट्रांसमिटेड बाय कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ये तीनों जो डिजीजेस हैं खराब पानी और खाना खाने से होती हैं। सी, All of them are cured by antibiotics, ठीक है, ये तीनों जो हैं बीमारियाँ antibiotics खाने से ठीक हो जाएंगी। और D, all of above, D है कि ये तीनों, so diarrhea, cholera, typhoid में ये बैक्टीरिया से होती हैं, सही बात है। All of them, ये तीनों बीमारियाँ गंदे पानी, गंदे खाने से होती हैं, सही बात है।
ये तीनों बीमारियां एंटीबायोटिक लेने से ठीक हो जाएगी, तो ये भी सही बात है। इसका मतलब डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है आपका। सिक्स्थ क्वेश्चन है, द बैक्टीरिया अमंग द फॉलोइंग इज, द बैक्टीरिया अमंग द फॉलोइंग इज, ए प्लास्मोडियम, बी ट्राइपनोसोमा, सी रैबिस वायरस, या डी सेल्मोनेला टाइफी। इन इन चारों में से बैक्टीरिया कौन है? सो इन चारों में से कौन से? देखो प्लास्मोडियम तो प्रोटोजोआ है, देखो अभी अभी आपने देखा एग्जाम्पल में प्लास्मोडियम प्रोटोजोआ है, ट्राइपनोसोमा भी प्रोटोजोआ है, ठीक है, प्लास्मोडियम और ट्राइपनोसोमा क्या है? प्रोटोजोआ है। रेबीज वायरस लिखा ही हुआ है, तो रहा क्या ये सेल्मोनेला टाइफी, ये क्या है? ये बैक्टीरिया है, ठीक है। इस तरह से पहचान कर सकते हो भाई, प्लास्मोडियम तो प्रोटोजोआ है, ट्राइपनोसोमा भी प्रोटोजोआ है, रेबीज तो वायरस से लिखा हुआ है तो वो तो बैक्टीरिया हो नहीं सकता है, तो रहा क्या? सेल्मोनेला टाइफी, ठीक है। सो सिक्स्थ का क्या होगा? डी। अब सेवन्थ का देखो, एच आई वी वायरस अटैक्स वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इन अवर बॉडी। जो एच आई वी वायरस अटैक्स वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इन अवर बॉडी, एच आई वी वायरस किसको अफेक्ट करता है हमारे शरीर के? सो रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, लिवर सेल या लॉन्ग सेल? एच आई वी वायरस, ठीक है, एच आई वी से एड्स होता है, तो ये वाली डिजीज, जिसको ये डिजीज होती है उसके शरीर का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, और इम्यून सिस्टम बनाने के लिए कौन से सेल्स काम आते हैं? वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। सो वाइट ब्लड सेल्स को एच आई वी अटैक करता है। लास्ट हमारा एट्थ, जो एम सी क्यू पूरे होंगे हमारे, सो एट्थ नंबर है, द पैथोजेंस ऑफ डिजीजेस आर, पैथोजेंस मतलब डिजीज फैलाने वाले कौन कौन से होते हैं? सो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या सारे? सो ऑल ऑफ द अबव, डी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सो ये था आपके कंप्लीट चैप्टर, व्हाई डू वी फॉल, दीज वर एडिशनल क्वेश्चंस, ठीक है। अगर एक बार ही आपको मैं सारे क्वेश्चन आंसर्स फिर से दिखा दूं, ठीक है। सो सबसे पहले हमने चालू किया था यहाँ जो है हमारा, आगे हमने देखे थे ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस, हम एक एक करके देख लेते हैं सारे फिर से, अगर आपको फिर से नोट करना है क्योंकि आपको सब लिखना है। सो सबसे पहले ये तीन क्वेश्चंस थे, ठीक है, सबसे पहले ये तीन क्वेश्चंस थे आपके। इसके बाद आपके ये क्वेश्चंस थे, ठीक है, ये क्वेश्चंस थे आपके, फिर आपके ये क्वेश्चंस थे, फिर ये क्वेश्चंस थे, इसके बाद ये था, इसके बाद ये था आपका, और लास्ट पे ये था आपका, ठीक है। सो दिस वाज योर लास्ट पेज, और ये आपके लास्ट एमसीक्यूज, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, वी आर एंडिंग अवर लेक्चर हियर, राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली, आई हैव शोन यू ट्वाइस, एक बार डिस्कस किया, एक बार दिखाया, प्लीज डू ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली, थैंक यू।